की है भारत माता की, भारत माता की। हाउस दी जोश, हाउस दी जोश। पर ये सारा केटीएम बाइक का काफिला जुड़ता जा रहा है, ये देखिए बहुत ही बाइक्स हो गई हैं, लगभग 200 से ऊपर बाइक्स हो गई हैं, क्योंकि मोस्टली दिल्ली एनसीआर की सारे शोरूम्स की बाइक्स आज यहाँ पे असेंबल हुई हैं। ये मेगा राइड है, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल जाट ऑन व्हील्स में बहुत स्वागत है। तो आज की राइड मैं बता दूं गाइस, हम जा रहे हैं केटीएम के साथ और ये मेरी फर्स्ट राइड है, क्योंकि जब से केटीएम लिए है मैंने अभी तक केटीएम ग्रुप के साथ मैंने कोई राइड नहीं की है। मेरे अपने बहुत सारे ग्रुप हैं, उन्हीं के साथ मैं अभी तक राइड कर रहा था, लेकिन दीपक भाई मेरे काफ़ी पुराने नॉन हैं नॉर्थ दिल्ली के, तो दीपक भाई का फ़ोन आया था कि भाई जाना है इस बार ज़रूर, दो बार पहले भी बोला था, तो मेरे पहले राइड ऑलरेडी अपने ग्रुप के साथ थी तो मैं जा नहीं पाया था। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने जो केटीएम ग्रुप है उसके साथ हैं। तो हमने बेसिकली जाना था अपना नॉर्थ दिल्ली का जो केटीएम का शोरूम है गुजरावाला टाउन के पास, मॉडल टाउन, उधर जाना था, लेकिन वहाँ पे फ्लैग ऑफ का टाइम था आई थिंक 6:30 बजे 6:30 पौने 7, और 6:45 तो यहीं हो गए हैं। तो सेकंड मीटिंग पॉइंट है डीएनडी टोल, तो अभी हम जा रहे हैं डीएनडी टोल और वहाँ से सारे कई शोरूम के बाइक्स सब इकट्ठा होके फिर वहाँ से निकलेंगे हम अपना जेवर टोल पे, और वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे, सबसे मीटअप करेंगे और उसके बाद वापसी करेंगे। तो ये है इंडिपेंडेंस डे बाइक राइड, और आपको तरह तरह की बाइक देखने को मिलेगी केटीएम की, तो बने रहना यार मेरे साथ। और अब सीधा मिलूँगा आपको डीएनडी में, जब तक आप जो सिनेमेटिक इंस्ट्रा 360 की वीडियो आप देखते रहना। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है इंस्टा का 360 X3 एक्शन कैमरा, और इसमें बहुत ही बढ़िया सिनेमेटिक वीडियो बनती है, और काफ़ी मैं वीडियो डाल रहा हूँ आजकल, और इसका भी मैं रिव्यू करूँगा आपको इस वीडियो में। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं डीएनडी टोल पे, ये सामने आप देख रहे हैं कमर्शियल का आई थिंक टोल ले रहे हैं, और प्राइवेट व्हीकल आई थिंक फ्री है, यस। तो ये है डीएनडी टोल, ये पूरा कमर्शियली काम हो रहा है, बाप रे, पहले तो नहीं था, अभी कुछ ही समय से ये शुरू हुआ है। तो हम पहुंच गए हैं डीएनडी, और यहाँ पे हमारा है असेंबलिंग पॉइंट, कहाँ खड़े होना है ढूंढते हैं बाइक्स। ये तो ये केटीएम की सारी बाइक्स खड़ी हैं, तो यहीं पे होगा हमारा। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं डीएनडी टोल पे, और ये मेरे पीछे देखिए सारी केटीएम्स की बाइक्स, और इसमें 2-3 शोरूम्स की सारी बाइक्स आई हुई हैं जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है आज की राइड को। सभी शोरूम्स ने मिलके इंडिपेंडेंट डे स्पेशल राइड ऑर्गेनाइज़ की है, और हम जा रहे हैं जेवर टोल और सेलिब्रेट करने हमारे इंडिपेंडेंस डे को, और वहाँ जाके अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, मीटअप करेंगे, और उसके बाद सीधा अपना घर को। और ये सारी बाइक्स देख लीजिए एक बार फिर, केटीएम की सारी बाइक्स हैं, बहुत ही शानदार।
तो अभी दीपक भाई आने वाले हैं और जतिन भाई, अभिषेक भाई, उन सभी से मिलेंगे फिर चलेंगे। हेलो गाइस, ये हमारे दीपक भाई हैं। बहुत ही कई दिन से बोल रहे थे आना आना राइड पे, तो आज फाइनली हम मिल गए हैं। काफ़ी टाइम बाद मिले ना। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नहीं नहीं, इट्स माय प्लेजर। आपके साथ हमेशा अच्छा लगता है राइड करना। थैंक यू सो मच। आगे भी फ्यूचर में भी करेंगे। फॉर श्योर। तो चलते हैं, अभी जेवर जाएंगे और वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। और आज इंडिपेंडेंस डे स्पेशल जो राइड है, मेगा राइड है, और सभी दिल्ली के मोस्टली सारे शोरूम्स है, मोस्टली दिल्ली NCR के ऑलमोस्ट 15 शोरूम्स हैं दिल्ली NCR के। जितनी ये सारी आप बाइक देख रहे हैं पीछे, सारा दिल्ली NCR की बाइक्स हैं, KTM की बाइक्स हैं सारी। और वहाँ जाके अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, एंजॉय करेंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे। थैंक यू। हाँ भाई जतिन, जतिन भाई, अभिषेक भाई, तो ये हमारे यहाँ जिस जतिन सिंगू बॉर्डर से आए हैं और अभिषेक कहाँ से आए? पीतमपुरा से भाई। भाई पीतमपुरा से आए हैं, बहुत ही मज़ा आया। मैंने आपको बोला था मिलवाऊंगा अपने दोस्तों से, तो ये दोनों भाई भी हमारे साथ जा रहे हैं अभी जेवर टोल पे। वहाँ जाके अपना मस्ती करेंगे, खाएंगे पियेंगे, बस यही है आज की राइड। आते समय भगा के आएंगे, वही हो सकता है। आते समय तो भाई जाना, डिसिप्लिन में जाना है। तो ये देखिए सारे, और ये ड्रोन उड़ रहा है सामने, निकाल दे चाचा। और ये सारे राइडर्स हैं हमारे। तो आपने देखा कितना बड़ा काफिला है आज की राइड के लिए, तो वी आर रेडी टू राइड। बस अब निकलेंगे और ये सारी बाइक्स खड़ी हैं पीछे, और काफ़ी बड़ा काफिला होने वाला है। और ये ड्रोन फुटेज सामने देखिए, ड्रोन बाइक्स लाइनअप हो गई हैं और 2x2 की फॉर्मेशन में आज हमारी राइड होने वाली है। मोर देन 200 बाइक्स का काफिला चल रहा है आज की मेगा राइड पे, जो कि है इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस डे को, जो कि अभी 2 दिन बाद ही 15 अगस्त को मनाया जाएगा पूरे भारतवर्ष में। और ये देखिए कितना बड़ा काफिला है हमारी KTM का। काफ़ी समय बाद मैं KTM की जो ऑफिशियल राइड कर रहा हूँ मैं। तो लेट्स गो, चलते हैं। और जो स्पीड मेंटेन करेंगे, वो कह रहे थे सभी कि 70-80 की स्पीड पर चलेंगे वापसी में, तो फिर हम आराम से निकलेंगे। चलो नहीं, अभी नहीं करूँगा, बता देना, हमारी वीडियो बना देना छोटी छोटी। ठीक, वीडियो मत बनाना। चल राइड को ब्रेक दिया गया है, क्योंकि काफ़ी राइडर्स हैं जो इधर उधर जा रहे थे, फास्ट भाग रहे थे, स्लो भाग रहे थे, अपना ग्रुप बना के चल रहे थे, जिसकी वजह से दोबारा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि कैसे राइड करनी है। और बिल्कुल 2x2 फॉर्मेशन में करनी है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसी साइड पे बाइक चलानी है, बीच में नहीं चलानी। बस ये थोड़ी ब्रीफिंग हो रही है और इसके बाद चलेंगे। राइड हो रही है,
2x2 फॉर्मेशन देख लीजिए हमारी कितनी बढ़िया 2x2 फॉर्मेशन चल रही है। 10 लोग एक साथ चल रहे हैं और आधी रोड पूरी ब्लॉक कर रखी है। जब इतने सारे ग्रुप से एक साथ मिलकर राइड करते हैं तो वहाँ ये झमेला हो ही जाता है। बाकी जैसे मेरे 2-3 ग्रुप्स हैं, इतनी बढ़िया राइड करते हैं और बिल्कुल फॉर्मेशन में राइड करते हैं, 2x2 हो या 1 सिंगल फॉर्मेशन हो, सब में तभी जो इंस्ट्रक्शन होती है उसी हिसाब से हमारी राइड चलती है। और बड़े ग्रुप में तो ये होता ही है, वो कोई किसी की नहीं सुनता। और KTM बाइक वैसे ही बदनाम है रेसिंग के लिए, और यंगस्टर सारे अपना बाइक लेते भी हैं कि भाई रेस करनी है। जो ATV हमारी बाइक है, दिस इज नॉट ए रेसिंग बाइक। अभी एक पीछे भाई बाइकर पूछ रहा था, भाई कहाँ तक रेस होगी? मैंने कहा भाई रेस नहीं है। तो हम आ गए हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे, जेवर 38 किलोमीटर। वाओ, 38 किलोमीटर और राइड करनी है, टोटल मुझे लग रहा है 100 किलोमीटर की राइड हो जाएगी घर तक। ये टोल भी लगा रखा है, नाके नाकाबंदी। तो गाइस, ये सेकंड या थर्ड ब्रेक है जो हम यमुना एक्सप्रेस वे के बिल्कुल स्टार्टिंग में खड़े हुए हैं। और ये पूरा हमारा कारवां KTM का, जो कि एक मेगा राइड है आज की, लेकिन डिसिप्लिन की बहुत कमी है क्योंकि नए नए राइडर्स आए हुए हैं और वो सब, उनको पता नहीं राइड कैसे करनी है, फर्स्ट टाइम कभी ग्रुप में की नहीं होगी, जिसकी वजह से बार बार इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि भाई अपने लाइन में चलें और ज़्यादा स्पीड ओवर स्पीड ना करें, एक दूसरे को ओवरटेक ना करें। तो यही सब इंस्ट्रक्शन चल रही है। अब यहाँ से 38 किलोमीटर रह गया जेवर, वहाँ पे जाके फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे और वहाँ से फिर वापसी निकल आएंगे। अनदर ब्रेक, आप किस बात के लिए ब्रेक लगा दिया? क्या राइड हो रही है, तीसरा चौथा ब्रेक मार दिया। आप आगे आओ, चलो आप फॉर्मेशन करो बाइक का प्लीज। राइडर्स, तो अभी हमारे एक राइडर का एक्सीडेंट हो गया है। बाइक क्या कर रहे थे, वो वीडियो बनवा रहे थे दूसरे बाइकर से, और वो पीछे देख रहे थे, सामने एक कार जा रही थी, कार में जाके उन्होंने मारा टक्कर और हमारा बाइकर जो फॉल हो गया, गिर गया, और उसके हाथ में ग्लव्स नहीं था और एक हाथ में चोट आई है उनका, बाकी तो ठीक है बाकी। तो अब चलते हैं सीधा अपना जेवर पे और वहाँ पे रेस्टोरेंट पे अपना करते हैं पेट पूजा, क्योंकि अभी भूख लग चुकी है, हमें 10 बजने वाले हैं और सुबह 6:30 से मैं निकला हुआ हूँ। तो आप सीधा मिलते हैं आपको जेवा, और लगभग मुझे लग रहा है 100 किलोमीटर की राइड हो चुकी है अभी तक। और ये सारे हमारे बाइकर्स राइडर्स असेंबल हो चुके हैं यहाँ पे, हम भी अपनी बाइक लगा देते हैं कहीं पे जगह मिले तो। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं हाईवे मसाला, ये मेरे पीछे है हाईवे मसाला, और यहाँ पे पूरा असेंबलिंग हो रही है। ये देखिए चारों तरफ सारे राइडर्स आ गए, और यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होगी और नेशनल एंथम होगा, और उसके बाद हम जाएंगे अंदर अपना ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये पीछे नॉर्थ दिल्ली के राइडर्स सारे हैं जिनके साथ में आया हूँ, मोतीनगर से अभी कितने राइडर्स हैं? और ऑलमोस्ट दिल्ली NCR से सारे राइडर आए हैं।
हेलो मोतीनगर से नाटक बस ये प्रोग्राम होगा उसके बाद चलते हैं अंदर। उधर भी तो गाइस वी आर सेलिब्रेटिंग 76th इंडिपेंडेंट डे और ये 76 का फॉर्मेशन बनाई हुई है और ऊपर ड्रोन कैप्चर कर रहा है। ये पूरा सजाया हुआ है यहाँ पे। तो बस अभी नेशनल एंथम होने वाला है उसके बाद फिर चलेंगे अंदर। हेलो मैडम फुल जोश लेट्स पोस्ट आवर सेल्फीज फ्रॉम दिस वेन्यू विद हैशटैग अर्बन एस्केप। एज यू सी दिस इज अर्बन एस्केप सो हैशटैग अर्बन एस्केप एंड यूज द टैग योर KTM इंडिया हैंडल एंड द KTM Pro XP हैंडल राइट। When you post this on Instagram as story and post, you will be seen by the brand. Aapki stories re-share hongi and you can win a chance to get some cool KTM merchandise. Right? I hope all of you will participate in that. Next, if you see on my right, we have done two of the market tours this year. We have already covered. Give a shout out to all of you and say Jai Hind along with me. Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! तो गाइस फ्लैग होस्टिंग हो गई है नेशनल एंथम हो गया है अब सीधा चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए और अभी भी कुछ इवेंट चल रही हैं लेकिन भूख बहुत तेज लग चुकी है 10:30 बज चुके हैं और अब चाहेंगे सीधा। वी आर सेलिब्रेटिंग 76 इंडिपेंडेंट डे और आज की मेगा बाइक राइड थी KTM के द्वारा बहुत ही मज़ा आया। तो आपको कैसी ये राइड लगी एक कमेंट करना और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ प्लीज़ मैसेज मी। तो अंत में दोस्तों राइड हार्ड राइड से वंदे मातरम एंड जय हिंद सायोनारा। तो चलते हैं।